नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो ठीक उसी वक्त खेल के मैदान से भारत के लिए एक बुरी खबर आई, और ये बुरी खबर आई दुनिया में सबसे ज्यादा खेले और देखे जाने वाले खेल फुटबॉल जगत से। मंगलवार को फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF को बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया। फीफा दुनिया में फुटबॉल की वो संस्था है जो कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को कंट्रोल करती है, इंटरनेशनली फुटबॉल को कंट्रोल करती है, और AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वो संस्था है जो कि भारत में चलने वाले फुटबॉल को कंट्रोल करती है। क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, देखा जाता है, तो क्रिकेट की भाषा में अगर हम आपको बताएं तो फीफा ठीक वैसी ही संस्था है जैसी क्रिकेट की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर ICC है, और AIFF वैसी ही संस्था है जैसी कि भारत में BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया काम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन फुटबॉल को अब सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि भारतीय फुटबॉल टीम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इवेंट में हिस्सा अब फिलहाल नहीं ले सकती है। इसके अलावा भारतीय फुटबॉल टीम अब कोई भी इंटरनेशनल मैच फिलहाल नहीं खेल सकती है जब तक ये बैन वापस नहीं लिया जाता। भारत में पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो फुटबॉल का क्रेज भी लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बढ़ते क्रेज के बीच में यह खबर भारत के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा झटका है। एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इसी साल अक्टूबर महीने में भारत में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन होना था। अब क्योंकि भारत को बैन कर दिया गया है, फुटबॉल से सस्पेंड कर दिया गया है, इसीलिए इन वर्ल्ड कप का अब भारत में होना भी फिलहाल असंभव नजर आ रहा है। लेकिन आखिर फीफा ने AIFF को यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन क्यों किया, सस्पेंड क्यों किया? फीफा ने अपनी प्रेस रिलीज में यह कहा है कि AIFF में यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, यानी कि थर्ड पार्टी का प्रभाव काफी ज्यादा था। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो फुटबॉल बोर्ड भारत का था वो चल नहीं पा रहा था। इसको देखते हुए फीफा ने इससे पहले भी कई बार भारत को चेतावनी दी थी, लेकिन तमाम जो जरूरी सुधार थे वो नहीं किए गए, और अंततः उसका नतीजा ये निकला कि फीफा ने इंडियन फुटबॉल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया, बैन कर दिया। हालांकि फीफा ने यह भी कहा है कि वो भारत के खेल मंत्रालय के संपर्क में इस मामले को लेकर लगातार है। लेकिन आखिर AIFF में दिक्कत क्या थी, गड़बड़ी क्या थी? दरअसल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा घमासान काफी समय से चलता आ रहा था। AIFF में ना तो कोई बोर्ड था और ना सही तरीके से, ना सही एडमिनिस्ट्रेशन से, ना सही कॉन्स्टिट्यूशन से इसको चलाया जा रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल AIFF के अध्यक्ष हैं। प्रफुल्ल पटेल साल 2009 से AIFF के अध्यक्ष हैं और वो अपने 4-4 साल के 3 टर्म को पूरा भी कर चुके हैं। वजह यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है। फीफा का ये कहना है कि फुटबॉल जो एसोसिएशन है, जो फुटबॉल फेडरेशन इंडिया की है, उसमें सही तरीके से चुनाव करवाया जाए, बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए, उसके हिसाब से जो फेडरेशन है वो काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लंबे समय से प्रफुल्ल पटेल ही इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। फीफा का ये कहना था कि इसमें चुनाव करवाए जाए। ठीक यही बात भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी AIFF से जुड़ा हुआ एक मामला इस वक्त लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले भी ये कह चुका है कि AIFF में तुरंत जो बोर्ड है उसको बनाया जाए, उसमें इलेक्शन करवाए जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोर्ड को चलाया जाए, क्योंकि इससे पहले फीफा ने भारत को चेतावनी दी थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही थी कि इसमें चुनाव करवाए जाए और सही तरीके से बोर्ड का संचालन किया जाए। जब ऐसा नहीं हो पाया तो उसके बाद फीफा ने भारत के जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया। वहीं इसी बीच भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने कहा है कि खिलाड़ी अपने खेल पर फोकस करें, अपने खेल पर ध्यान दें, बोर्ड के अंदर या फिर बाकी चीजों में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ विवाद है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने गेम को इम्प्रूव करना है। अब इसमें आगे क्या होगा तो वो भी आप समझ लीजिए। फीफा का यह कहना है कि भारत से ये सस्पेंशन हट सकता है, बैन हट सकता है, यदि कमेटी बने, जिस तरीके की डिमांड्स फीफा ने रखी थी, तरीके से चुनाव करवाए जाए, एडमिनिस्ट्रेशन हो और वो सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाए AIFF में यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए, सही तरीके से चीज़ों को कंट्रोल में रख करके अगर काम किया जाए तो ये सस्पेंड खत्म हो जाएगा, सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, बैन भी हट जाएगा। खैर, अब फीफा भारत के फुटबॉल से कब तक बैन हटाता है, कब तक सस्पेंशन को खत्म करता है, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन बहरहाल ये खेल जगत के लिए और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए, खासतौर पर जो लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही झटके वाली खबर है, क्योंकि इस तरीके से किसी देश को बैन कर देना अपने आप में एक बहुत निराशा वाली बात भी है। अब देखना यह है कि कब तक इन तमाम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर खेल मंत्रालय हो, किस तरीके से आगे का काम किया जाता है और किस तरीके से कमेटी बनाई जाती है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके आप बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।